नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। कहा जाता है अगर कोई इंसान गलत काम करता है ना तो उसका अंत भी बुरा होता है। आज ऐसा ही एक मामला सामने आया है एमपी के जबलपुर से, जहां पुलिस से बचकर भाग रहे एक अपराधी का अंत हो गया और उसका अंत उसके दोस्त के हाथों हुआ। शातिर बदमाश बबलू पांडा, जो काफी समय से पुलिस की नजरों से बच रहा था, उसकी गोली मार कर हत्या कर दी गई। बबलू पांडा पर कई मामले दर्ज थे, उसके ऊपर कई लोगों की हत्या करने का भी आरोप था। उसे पड़ोसी जिले की सीमा पर बीजा डांडी के उदयपुरा के एक ढाबे पर मौत के घाट उतार दिया गया। हमला करने वालों में बरेला जबलपुर के रहने वाले रोहित सोनकर और उसके साथियों का नाम सामने आया है। बता दें कि बरेला के रहने वाले रोहित सोनकर गांजा तस्करी का काम कर रहा था। इसके बाद वो बबलू पांडा के साथ पार्टनरशिप में जुआ खिलवाने लगा। जुए में दोनों ने मिलकर लाखों रुपए कमाए, लेकिन बबलू पांडा की नजर रोहित के पैसों पर पड़ गई और बबलू ने रोहित को गलत संगत में डाल दिया। इधर बबलू ने रोहित का सारा पैसा घपला कर दिया। रोहित के हाथ खाली होने के बाद बबलू पांडा बीजा डांडी में जुआ खिलवाने लगा। पड़ोसी जिले में रोहित से जुआ खिलवाकर बबलू पांडा मोटी कमाई कर रहा था, जिससे रोहित की नाराजगी और बढ़ गई और फिर उसने बबलू को बर्बाद करने के साथ रास्ते से हटाने की योजना बनाना शुरू कर दिया। इधर रोहित ने बबलू पांडा गैंग में से अमित को अपने पाले में कर लिया और बबलू को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। इसके बाद गुरुवार की रात दोनों गैंग के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें दोनों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। ऐसा बताया जा रहा है कि वहां दोनों की तरफ से करीब 35 से 40 राउंड फायरिंग की गई। इसमें बबलू पांडा को 4 गोलियां आ गई हैं, वहीं उसकी मौत हो गई। पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही कई थानों की पुलिस वहां पहुंच गई। मामले की जानकारी आपको बता दें कि पुलिस को मिली और उसके बाद मामले की छानबीन शुरू हुई। हत्या के शक में दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस मामले को लेकर आगे भी छानबीन जारी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।